अगर ऑर्डर मिलेंगे जो खड़ी फसल में आग लगाने के, हम उसके लिए ये भी तैयार हैं। इससे पहले हम ये सरकार को ये चेतावना दिखा रहे हैं कि जो ये हमारे भाई ने ठेके पर ये जो जमीन ली थी, ठेके पर लेकर के 30-35 हज़ार रुपये ठेके पर जो ली, और आज इसमें 50-60 मणि इसमें कणक होती, तो इसको अपनी को बर्बाद कर रहा है। किसान मोर्चे के आह्वान पर किया जा रहा है। किसान मोर्चे ने एक बार जो कह दिया, चाहे वो ये कहोगे गर्दन कटवानी है तो गर्दन कटवाने के लिए आज पूरे भारत मोर्चा, अगर ये हमारे को ये कहेगा, हम भी अपने माँ बाप ने कितने अच्छी तरह से पाल रखे हैं, इतने वोट पाल लगे थे, अगर किसान मोर्चा ये कहेगा अपनी गर्दन कटवा ले, हम गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर लाइन है, एक बार किसान मोर्चे का आदेश आ गया तो अपनी नाड़ रख के लाइन के सरकार को दिखाना चाहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आग भी लगा देंगे अपनी फसल में। मैं एक बात बताओ, जब देश भूखा मर जाएगा, अन्नदाता तो मरना है, जब देश भूखा मर जाएगा क्या करेगी सरकार, कहाँ से लिया के देगी? मोदी सरकार कहाँ से लिया के देगी, कहाँ से खट्टर सरकार लिया के देगी? मिला था, लेकिन उसके बाद अब पानीपत में भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किसान लगातार अपनी गेहूं की फसल को नष्ट कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खेत में ट्रैक्टर चलाना जो है शुरू कर दिया है।
किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान आया था कि सरकार अगर नहीं मानी तो किसान अपनी खड़ी फसल को उजाड़ देंगे और उसमें आग लगा देंगे, जिसकी एक तस्वीर जिसके बाद लगातार तस्वीरें अलग अलग प्रदेश से और शहरों से देखने में नजर आ रही है। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भी पानीपत के इसराना गाँव में हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी एक किसान ने राकेश टिकैत के बयान के बाद अपनी खड़ी फसल को उजाड़ दिया है। हालांकि बाद में नेताओं का कहना है कि राकेश टिकैत का भी और गुरनाम सिंह सडूनी का भी कोई भी किसान अपनी फसल को न उजाड़े, लेकिन उसके बावजूद भी किसान लगातार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जिलों में अलग अलग गाँव में अपनी फसल को उजाड़ रहे हैं। पानीपत के इसराना गाँव में भी नरेश ने अपनी फसल को उजाड़ दिया है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि किसान नेताओं ने दोबारा कहा था कि कोई भी किसान अपनी फसल को न उजाड़े, फिर भी उसके बावजूद आप क्यों जो अपनी फसल को उजाड़ रहे हो? जब हमारे नेता ने आदेश कर दिया था इस करके हम उजाड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो नाटने दो, लेकिन हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम उस आज्ञा के अनुसार अपनी खेती को उजाड़ रहे हैं। नई सरकार हमारी कोई बात मान रही है? कहाँ इसको लेके जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? इससे बढ़िया था हम अपनी खेती को उजाड़ दें, खुद उजाड़ देंगे, उगाई है उजाड़ देंगे, और तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इसके सिवाया, न इसकी कोई खरीदारी है, ना सरकार हमारी मान रही। 3 महीने से हम बैठे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, कोई मान ही नहीं रहा। हमारी 12 बैठे गोली, कोई मंत्री है, संतरी है, कोई भी तो हमारी ये नहीं सुनाई कर रहा है। भले जमींदार है, अजब हम एक चीज़ को नहीं चाह रहे हैं, फिर भी हमारे साथ हंगा हो रहा है। हमारे भाईचारा वहाँ मर गया है, उसके बारे में कोई नहीं सोचा गया, उग्रवादी बता दिया, हम जमींदार को उग्रवादी बता दिया, और क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास इसको बाहने के मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। किसान मेहनत करता है सर्दी के अंदर, जब जाकर फसल तैयार होती है और फसल कटाई का समय भी नज़दीक आ चुका था, ऐसे में अपनी खड़ी फसल को उजाड़ना, मतलब क्या समझते हो आप, अपनी मेहनत को खराब करना है कहीं ना कहीं? हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आग भी लगा देंगे अपनी फसल में। एक बात बता, जब देश भूखा मर जाएगा, अन्नदाता तो मरना है, जब देश भूखा मर जाएगा क्या करेगी सरकार? कहाँ से लाके देगी? मोदी सरकार कहाँ से लाके देगी? कहाँ से खट्टर सरकार लाके देगा? तो अब कुछ किसान पहुंचे हैं आपको रुकवाने के लिए, आप अपनी फसल को ना उजाड़े। चलो ये तो भाई नाटके, मैंने 4.5 एकड़ तो जरूर बाणी है, 2 तो बा दिया, 2 एकड़ 2.25 एकड़ और बाऊंगा, 4.5 एकड़ तो मैंने मन बना रखा जरूर बाऊंगा। ये आपकी अपनी फसल थी, आपने ठेके पे ली? ठेके पे ले रखी है, 30-35 हज़ार रुपये किलो ठेके पे है। तो आपने ठेके में फसल ली और अब फसल को उजाड़ दिया है, ऐसे में कर्ज में और डूबेगा किसान? कोई बात नहीं, डूब जाएंगे। सरकार को दिखाना चाहूँ हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, हम सरकार के लिए आर पार लड़ने की लड़ाई तैयार है, लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं तक भी जा सकते हैं। देखिए, किसान का कहना था कि इसने अपनी 4.5 एकड़ फसल को जो है उजाड़ दिया है, और इनका साफ तौर पर यह कहना है सरकार को कहीं ना कहीं ये चेताना चाहते हैं कि सरकार या तो मान जाए, नहीं तो किसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।